रिलीज होने वाली है क्या वरुण धवन ने वाकई बोला है कि वो एक ओ एक्टर नहीं बनना चाहते और क्या उन्होंने खुद को कंपेयर कर दिया है बॉलीवुड के खान से हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में हूँ सोनी का जयाल बात करेंगे कुली नंबर वन की जिसकी बात हमने काफ़ी टाइम से नहीं की है और अब खबरें आ रही हैं कुछ कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ रही है और साथ ही ये फिल्म कब रिलीज होगी इस बारे में बताएंगे तो तैयार हो जाइए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा पहले कॉन्ट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं दरअसल एक आर्टिकल छपा था कुली नंबर वन के एक्टर वरुण धवन के लिए और कहा गया था कि उन्होंने कहा है कि मैं ओटीटी एक्टर नहीं बनना चाहता यानी कि वो नहीं चाहते कि कुली नंबर वन ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो अब भाई पहले तो बात हो गई है सारे अमेज़ोन प्राइम से डील हो चुकी है पहले तेरह नवंबर की डेट फिक्स हो चुकी है 2020 लेकिन अब ये डेट भी चेंज हो गई है बाद में बताती हूँ कब रिलीज़ होने वाली है और जो वासु भगनानी है डेविड धवन है उन्होंने मिलकर पैसा लगाया है डेविड धवन ने इसे डायरेक्ट किया है अब बात यहाँ पर आती है कि भाई ये आर्टिकल निकला कहाँ से दरअसल जो वरुण धवन है उन्होंने जिम में किसी से ऐसी मज़े में बोल दिया होगा कि मैं ओ एक्टर नहीं बनना चाहता जब तक तो खान्स नहीं आते मैं भी नहीं आता इस ओ टी प्लेटफॉर्म पर तो जैसे ही ये खबर लीक हुई तो सबके फैंस जो अक्षय कुमार और खान्स के फैंस थे उन्होंने वरुण धवन को ट्रोल करना शुरू कर दिया कहने लगे शाने क्या समझता है खुद को बहुत बड़ा एक्टर हो रहा है तो मतलब कंपेयर करेगा ख़ुद को खान से तो इस पर अब जब ये वायरल होने लगा तो वरुण धवन तक भी पहुंच गया तो वरुण धवन ने कहा इस आर्टिकल की वेबसाइट को कि जब तक मैं खुद इंटरव्यू ना दूं मेरे बेहाब पर कुछ भी ना कहे यानी कि उन्होंने सिरे से नकार दी ये बात हो सकता है उन्होंने कह दी हो लेकिन मज़े मज़े में की हो कोई ऑफिशियली नहीं कहा गया था तो ये चीज़ उन्होंने आर्टिकल लिखने वाले को समझा दी कि मेरे बिहार में कोई भी चीज़ ना कहें ऐसा हो जाता है जो मीडिया पर्सनस होते हैं वो भी जर्नलिस्ट होते हैं वो भी ऐसे काम कर लेते हैं थोड़ी सी खबर मिली तो उसको बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं तो ऐसे ही वरुण धवन के साथ हुआ है बेचारे वरुण धवन फालतू में ट्रोल हो गए हैं खैर आपको बता दें कुली नंबर वन एक बेहद ख़ास फिल्म होने वाली है गोविंदा और करिश्मा कपूर के जादू को रिक्रिएट किया जाएगा सारा अली खान और वरुण धवन द्वारा थी, इसमें गाने आएंगे मैं तो रस्ते से जा रहा था और हुस् सुहाना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फिल्म होने वाली है और वही जादू दोबारा देखने को मिलेगा गोविंदा और करिश्मा की याद तो आएगी ही लेकिन क्या कर सकते हैं काश गोविंदा और करिश्मा का कोई कैमियो इसमें देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए इसके अलावा आपको बता दें ये फिल्म अब तेरह नवंबर को रिलीज़ नहीं होगी इससे पहले नौ नवंबर को लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज़ होगी उसके बाद अब कहा जा रहा है या तो ये दिसंबर में रिलीज़ होगी या तो अगले साल चली जाएगी और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया बिग बोल ये सारे फिल्मी पर ही रिलीज होने वाली है फिलहाल एक फिल्म कंफर्म हो चुकी है छलांग जो कि राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की फिल्म है जो कि आपको दिवाली के मौके पर देखने को मिलेगी यानी कि नवंबर में ही रिलीज हो जाएगी राजकुमार राव एक कमाल के एक्टर हैं उनकी कितनी फिल्में आपने देखी होंगी आ, दिखने में सिंपल से हैं लेकिन जब काम करते हैं तो एक साधारण से दिखने वाला लड़का सबका पसंदीदा हीरो बन जाता है एक आम सा लड़का तो ऐसे ही क्वालिटी है जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये सब एक्टर्स है उसी तरह के उम्दा कलाकार हैं और उनकी फिल्मों का भी काफी इंतजार रहता है लोगों को तो फिलहाल आप बताइए पुली नंबर का आपको कितना इंतजार है क्या आप भी समझते हैं क्या आप भी सोचते हैं कि वही जादू क्रिएट होगा गोविंदा और करिश्मा वाला नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड रिव्यूज अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को